कांग्रेस के एआईसी सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भागलपुर कांग्रेस कमेटी हॉल में एआईसी सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22-8 तारीख से आयोजित किया गया यह कार्यक्रम आज भागलपुर में समाप्त किया गया। बैठक में मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल की बैठक में खास विभिन्न बातों पर चर्चा हुई। बैठक में मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, साथियों के साथ व्यापक चर्चा संगठन को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया गया। आने वाले दिनों में कोरोना महामारी में किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता को आम लोगों के बीच जाना है और आम लोगों की आवाज़ को उठाना भी है और सरकार की गाइडलाइन को पालन करना है, इस अहम मुद्दों को लेकर पार्टी संगठन को दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रमुख मुद्दे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा संगठन के साथ की गई और फीडबैक दिया गया। प्रमुख तौर पर चर्चा में निकल कर आया है वो है बिहार की किसान की दुर्दशा। प्रत्येक प्रखंड अध्यक्ष साथियों ने जानकारी दी कि बिहार के किसान की स्थिति दयनीय है, चाहे वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित, अति पिछड़ा किसानी का काम करने वाला किसान, चाहे किसी वर्ग का आता हो, पूरे देश में दयनीय स्थिति है, वो बिहार है। इसी सब बातों पर चर्चा से विस्तार से चर्चा किया गया और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है तो किसान के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी है और चुनावी कहने के लिए जरूरी है, तो कई घंटों तक प्रखंड अध्यक्षों के साथ ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ मिली हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उन जानकारियों पर बहुत काम होंगे। कांग्रेस के अंदर एक प्रक्रिया है और चुनावी तैयारी सब लोग करते हैं और प्रक्रिया जो है वो ही फॉलो की जा रही है। नाम प्रस्तावित होकर के आते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, उसके बाद सीईसी की बैठक होती है और फाइनली सीईसी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्षता जो है वो कैंडिडेट के ऊपर बहुत लगाते हैं। वो बड़ा छोटे सब लीडर्स को इसी प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। बाकी तैयारी तो इतने ज़्यादा लोग करेंगे किसी वक्त, लेकिन मेरी मेरी संख्या में आती है, मेरे को किसी क्योंकि भागलपुर कांग्रेस की के लिए मजबूत जिला है। यहाँ से हमारे दो विधायक हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी संख्या यहाँ बढ़े, ये मेरा प्रयास है। तैयारी कर रही है, देखिए जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो आप तो अपने गठबंधन के साथी को ही पूरा मान सम्मान देने के उस पर भी चर्चा होनी बाकी है, पर कांग्रेस का इंतजार होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि अभी दो सीट पर हमारा चुनाव हम लोग लड़ेंगे, हम इससे बढ़ेंगे।